आपने एक पैन लेना है और पैन के अंदर ऑयल डाल देना है, जैसे कि मैंने डाल दिया, और हल्का सा गर्म करना है बस। आपने ऑयल में डालना है गार्लिक, गार्लिक को ऐसे पहले फाइन चॉप कर लेना है। और गार्लिक डालना कितना है आपने, तो कम से कम बता रहा हूं 100 ग्राम गार्लिक ले, मतलब 1 किलो मैदे में 20 ग्राम गार्लिक। जब आपका तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब तो आपने गैस बंद कर देना है और इसमें डाल देना है गार्लिक। ऐसा क्यों करना है, ताकि गार्लिक में हल्का सा कलर आ जाए, हल्का सा, और जले भी ना। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, गैस बंद कर दें तुरंत। और आप सोच रहे होंगे कि अगर तेल ज्यादा गर्म हो और गार्लिक डाल दें तब क्या करें, तब आपने क्या करना है, ऐसे एक छन्नी लेना है और गार्लिक को ऐसे छान लेना है, इस तरीके से जैसे कि मैंने छाना है। और इससे ज्यादा कलर आपने नहीं लेना है, मतलब हल्का सा कलर लेना है, बस खुशबू आने लगे लहसुन की, बढ़िया। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाला हूं, मैंने इतना सारा तेल लिया, इतना गार्लिक उसमें डाला और आज मैंने अप्रैन भी पहन रखी है, इसका मतलब ये है कि मैं आज मैदा उड़ाने वाला हूं। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी बना के आपको दिखाने वाला हूँ, गार्लिक ब्रेड लॉफ। गार्लिक ब्रेड लॉफ कैसे बनाते हैं पूरी डिटेल में अच्छे से बताने वाला हूँ, तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और चीजें वजन करके लेना है जैसे कि मैंने ली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक बॉल चढ़ा दिया है स्केल के ऊपर और इसको जीरो कर दिया है, तो मैं बनाने वाला हूँ 5 किलो मैदे से। तो आपने सबसे पहले मैदा वजन करना है, कितना, जितने का आप बनाने वाले हैं उतना। तो मैं 5 किलो का बनाने वाला हूं, तो मैं 5 किलो वजन कर लूंगा। और आपके मन में सवाल होगा कि मैंने मैदा छाना नहीं, तो हम लोग पहले से मैदा छान के ही रखते हैं ताकि काम करने में आसानी हो, फटाफट काम हो जाए, देर ना हो, इसके लिए मैंने नहीं छाना है। आप जरूर छाने, मैदा छानना जरूरी है। मैदा वजन करने के बाद आपने सीधा इधर डाल देना है मशीन के अंदर, इस तरीके से देखिए डाल देना है। उसके बाद आपने दोबारा से एक बॉल चढ़ाना है, जीरो करना है और इसमें डालना है आपने ईस्ट। हम ईस्ट को स्टील के बॉल में रखते हैं ताकि ढक्कन लगा के फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर सकें और इसकी स्मेल दूसरे खाने में ना जाए। तो आप भी जब भी स्टोर करें ईस्ट को तो ढक्कन जरूर लगाएं। अब ईस्ट डालना कितना है, आप 1 किलो मैदे में 30 ग्राम ईस्ट भी डाल सकते हैं, अगर मौसम ठंडा है तो 40 ग्राम भी डाल सकते हैं, और अगर आपको जल्दी है तो भी आप 40 ग्राम डालें। तो मैं भी ईस्ट 1 किलो में 40 ग्राम डालने वाला हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैंने ईस्ट लेना है 200 ग्राम। तो लेनी सारी चीजें आपने वजन करके जीरो किया। उसके बाद आपने इसमें डाल दी चीनी, चीनी मैं डालने वाला हूं 1 किलो में 30 ग्राम। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें, प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझसे ना पूछें कि 1 किलो में कितना डालना है, तो मैं बता दिया 1 किलो में 30 ग्राम डालना है। तो जितना आपकी मैदा बढ़ती जाएगी उतनी ही चीनी बढ़ती जाएगी, तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, आपने 5 किलो में 150 ग्राम चीनी लेनी है। तो इसी तरीके से सारी चीजें वजन करना है, इसको फिर से आपने जीरो कर दिया और इसमें आपने डालना है नमक 100 ग्राम, मतलब 1 किलो में 20 ग्राम नमक बहुत है, आप 15 ग्राम भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 20 ग्राम डालें तो भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि गार्लिक ब्रेड है, नमक परफेक्ट रहेगा। तो नमक का हल्का सा कम ज्यादा का रेसिपी होता है ब्रेड की, कई चीजों में 15 ग्राम होता है, कई में 20 ग्राम, तो इस हिसाब से आपने हमेशा ब्रेड बनानी है। अगर इसको आपने घोलना है तो नमक ना डालें, नमक अलग से वजन करें, अगर घोलना नहीं है ऐसे ही रखना है तो सारी चीजें इसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें डालना है ब्रेड इम्प्रूवर, ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो आपने ये डालना कितना है, 1 किलो मैदे में आपने डालना है 4 ग्राम, वजन करके डालें। उसके बाद आपने जीरो किया, फिर आपने इसमें डालना है कैल्शियम। आप पूछेंगे ये सब की जरूरत क्या है, इनके बिना भी ब्रेड बन जाएगी, लेकिन इससे क्या होता है ब्रेड की लाइफ बढ़ जाती है। तो कैल्शियम आपने डालना है 1 किलो में 2 ग्राम, तो मैं भी 1 किलो में 2 ग्राम के हिसाब से डाल रहा हूं, आप भी इतना ही डालें। उसके बाद आपने ये सब कुछ डाल देना है मशीन के अंदर जिसमें हमने मैदा डाला था। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये सारी चीजें इसमें ऐसे ही क्यों डाल दी, घोली क्यों नहीं। आज से 15-20 साल
पहले ब्रेड बनाने का तरीका अलग था, आज बिल्कुल अलग है। आज डायरेक्ट सारी चीजें डाल के मैदा गूंद के ब्रेड बनाते हैं। मैं भी ऐसा ही करता हूं। आज से 20 साल पहले क्या था, 10 साल पहले जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो हम बचकी बनाते थे। बचकी किसको बोलते हैं, मैदा नमक शुगर ईस्ट थोड़ी थोड़ी डाल के ना उसको घोल के रखते थे रात में, फिर वो सड़ता था उठता था, सड़ता था उठता था, फिर सुबह में उससे मैदा गूंदते थे, तो वो ब्रेड अलग होती थी। आज इतना टाइम नहीं है, आज ऐसे ब्रेड बनाते हैं, तो आप भी ऐसे ही बनाए क्योंकि आपने भी समय के साथ चलना है, लेकिन ब्रेड आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब 5 किलो में पानी कितना जाएगा ये भी आपका सवाल हो सकता है। जो मेरा कैलकुलेट है, जो मैं हमेशा सोचता हूँ, मैदे से आधा पानी जाता है, लेकिन आपने 1 किलो मैदे में 400 ग्राम पानी पहले डालना है, अगर वजन करके डालना है, फिर जरूरत लगेगी तब आप डाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैदा कम भी पानी पीता है, कोई मैदा ज्यादा भी पानी पीता है, तो आपने मशीन चालू कर देना है, उसके बाद पानी डालें या फिर पानी डाल के आप मशीन को चालू कर सकते हैं। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, पानी कभी भी गर्म नहीं डालना है, क्योंकि मशीन मैदे की हमेशा स्लो घूमती है तो बहुत टाइम लगता है, तो आपका मैदा गर्म हो जाता है, तो कभी भी आपका जो मैदा है मशीन के अंदर वो गर्म नहीं होना चाहिए, इस चीज का आपने रखना है ख्याल। मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया है, जब तक ये आराम से घूमेगी तब तक आपने क्या करना है, खड़े नहीं रहना है, टेबल को साफ कर देना है, सारी चीजें हटा दें, साथ साथ में ये काम भी हो जाना चाहिए, आप मैदा गूंदने का इंतजार ना करें। जैसे कि आप देख रहे हैं मैदा बहुत ही बढ़िया तरीके से गूंद रहा है, तो आपने क्या करना है, जब ऐसे मैदे की शक्ल हो जाएगी तब मशीन को ऐसे जाली हटानी है, तो ये जाली हटाते ही मशीन बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, फिर आपने ऐसे चेक करना है, तो आपको लगे कितना टाइट है, कितना पानी की जरूरत है, उस हिसाब से आपने पानी डालना है, फिर ये चालू की और धीरे धीरे पानी डालें। एक चीज का ध्यान रखना है, आपने नरम नहीं लगाना है मैदा, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जब आप ऐसे छुएंगे ना तो एकदम सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट होना चाहिए और टाइट नहीं होना चाहिए, लेकिन हाथ में चिपके ना, मतलब मस्त मैदा गूंदना है आपने। मैं गूंद के दिखाऊंगा कैसा आपने गूंदना है। जैसे कि आप देखें अब मशीन के अंदर सूखा मैदा बिल्कुल नहीं है और मैदा सारा आपस में मिल चुका है, मतलब गूंद चुका है, और आपको देखने से लग रहा होगा कि एकदम टाइट है, तो पहले आपने खोल के देखना है और इसको टच करना है, तो ये सच में टाइट है। लेकिन अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, गार्लिक वाला ऑयल, तब क्या होगा, उससे भी ये थोड़ा सॉफ्ट होएगा। और अभी तक मैंने इसमें कितना पानी डाला है ये भी आपको बता देता हूं चालू करने के बाद। 3 लीटर पानी में से 600 ग्राम पानी अभी बचा हुआ है, तो मैं अब पानी नहीं डालूंगा क्योंकि मैंने मैदा बहुत ही बढ़िया गूंदना है। अब मैं डालूंगा ऑयल और गार्लिक, उससे क्या होगा मैदा एकदम बढ़िया हो जाएगा, जितना टाइट मुझे चाहिए। आपने गार्लिक डाल दिया, और अगर आप कुछ और साथ में बनाना चाहते हैं जैसे ब्रेड रोल, ब्रेड कुछ भी, बर्गर, तो गार्लिक आप बाद में भी मिला सकते हैं। अगर खाली गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तब इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैं बना रहा हूं, ऐसे ही आपने गूंदना है। और कुछ अगर आपने इसमें से निकालना है जैसे कि मैंने बताया, तो आपने ऐसे नहीं बनाना है, ये देखिए। और ऑयल कितना आपने डालना है मैं वजन बता चुका हूं, तो सारी चीजें आपने वजन करके ही डालना है, अब ये मस्त हो जाएगा, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं अब मैदा बहुत ही अच्छी तरीके से गूंद चुका है, देख रहे हैं ना आप कितनी बढ़िया चमक भी आ चुकी है, तो ऐसे ही चमक आ जाना चाहिए, जब आप ऐसे पकड़ेंगे तो आपके हाथ में चिपकना नहीं चाहिए, इसका मतलब आपका मैदा बहुत ही बढ़िया तरीके से गूंद चुका है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले टेबल पे मैदा डस्टिंग कर लेना है, उसके बाद ये मैदा आपने निकाल लेना है। अब जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हम एक साथ ही सारा मैदा निकाल लेते हैं, तो आप अगर एक साथ नहीं निकाल सकते तो थोड़ा थोड़ा करके निकालें। एक साथ निकालने से क्या होता है, अच्छा लगता है, लगता है कि यार हम मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, और ऐसे टेबल पे डाल देना है, थोड़ी देर रखना है बस 2-4-5 मिनट, तब तक आपने क्या करना है
ट्रे में ऑयल लगा लेना है। तो मैं ट्रे की ट्रॉली को खींचता हूँ। ऐसी ट्रॉली आपके पास होना जरूरी है, इससे क्या होता है आपका काम आसान होता है, आपने इधर से उधर चीजें लेके भागने नहीं पड़ता। तो ऐसे ट्रे ली और इस तरीके से हल्का सा ऑयल लगा लेना है, जैसे कि मैं लगा रहा हूं, जितनी आपको चाहिए उतने में लगा के रख लें। ट्रे में ऑयल लगाने के बाद आपने ट्रॉली या तो ऐसे साइड में कर देनी है या फिर इसको यहां से हटा देना है, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उतनी देर में क्या होगा, आपका मैदा बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया हो गया। अब आपने इसको ऐसे काटना है, इसको स्क्रैपर बोलते हैं, इससे काटे और वजन करना है। आपने जब भी लॉफ बनाने या ब्रेड बनाने तो वजन से बनाए ताकि आपके एक जैसे बने। मैं एक लॉफ बनाने वाला हूं 350 ग्राम का, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी कंपनी के हिसाब से बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सभी लॉफ इसी तरीके से बनाऊंगा। तो मैं पहले वजन कर लेता हूं कितना, 350 ग्राम। तो आप भी पहले वजन कर लें, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे वजन करने के बाद। अब मैंने सभी वजन कर लिया है, काट लिए पेड़े, और सबसे अच्छी बात है आखिर का जो मैदा बचा वो सिर्फ 6 ग्राम ज्यादा निकला, बस मतलब परफेक्ट हो गया है। और ये बने कितने आपको ये भी दिखा देता हूं, गिन लेते हैं मैं और आप मिलके। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, मतलब 5 किलो मैदे में आपके 23 लॉफ बनेंगे। तो अब आपको पता चल गया ना कि 1 किलो में कितने बनते हैं, तो आपने कैलकुलेट करना है। अब जो सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है वो है अभी आने वाला है, क्योंकि जब ये पेचते हैं ना, इसको पेचना बोलते हैं, इसमें बहुत ही मजा आता है। देखिए ऐसे आपने दोनों हाथ लगाने और आपकी जो मैदा है ना इतनी अच्छी होना चाहिए कि आपको नीचे सूखा मैदा डालने की जरूरत ना पड़े, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फिर ऐसे दोनों हाथों से इसको ऐसे दबाना चाहिए, इसको बोलते हैं लॉक करना, ऐसे फिर ऐसे ऐसे लॉक किया। लॉक करने के बाद दोनों हाथों से ऐसे देखिए और ऐसे लंबा कर दिया, बढ़िया चमक आना चाहिए, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया आपके गार्लिक ब्रेड के लॉक बनेंगे, मतलब जैसे आपने मार्केट से खरीदोगे ना कभी, उससे अच्छे आप घर में बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। बिना अंडे वाली रेसिपी है, बहुत ही प्यारी रेसिपी है। देखिए चौड़ा इतना रहेगा और लंबा आपने अपनी ट्रे के हिसाब से कर लेना है। तो यह है आसान तरीका। ऐसे बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे दोनों हाथों से उठाना है और ऐसे ट्रे में रख देना, देखिए इस तरीके से जैसे कि मैंने रखा, देख रहे ना आप, ऐसे रखना है। फटाफट आपने पेस्ट करना है, देर नहीं लगाना आप, जितना देर लगाएंगे उतनी ही चमक आना ऊपर बंद हो जाएगी, क्योंकि मैदा फूल जाएगी। तो फूलने से पहले ही आपने स्पीड दिखा के पेच लेना है, जैसे कि मैं पेच रहा हूं, और ये टाइट होना चाहिए, ढीला ढीला ना पेचे, नहीं तो आपका लॉफ बेकार बनेगा। देखिए ऐसा टाइट लॉफ होना चाहिए और ऐसे रख देना है, कम से कम इतनी जगह आपने रखना है, ये देखिए एक जैसे और जगह इतनी, ताकि ये फूलेंगे तो एक दूसरे से चिपके ना। मुझे जो सबसे अच्छा काम लगता है अभी तक जो हमने किया वो है ये पेचना, इसमें मुझे बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि ये अच्छा काम ही है इसके लिए, मतलब आटा गूंथना बाकी जितने प्रोसीजर है ना, सबसे पसंद मुझे ये है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से फटाफट सभी बना लूंगा, आप भी ऐसे ही बना लें। और आपने एक ट्रे में सिर्फ 4 रखने हैं, क्योंकि इतना जब आप गैप देंगे ना तो 4 ही आएंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे रख लें। अब मैंने सभी गार्लिक ब्रेड पेच लिए, इसको पेचना बोलते हैं, और पेच के मैंने कहां रखे हैं तो आपको ये जो आखिरी ट्रे है ये रख के दिखा रहा हूं, मैंने रखे इसके अंदर। तो आपने भी
इसके अंदर रखना है। अगर आपके घर में ये नहीं है, आप घर में बना रहे हैं, तो आप ओवन के ऊपर रखें ढक्के। ढक्के कैसे रखना है, ऐसे उल्टी ट्रे से। अगर आप होटल में या बेकरी में बना रहे हैं तब तो आपको पता ही है, मुझे मालूम है आपको पता है। और इसके अंदर कितनी देर रखा मैंने ये आपको बताऊंगा जब ये फूल जाएंगे उसके बाद। ये देखिए ब्रेड बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है, इम्प्रूव हो चुकी है। तो मैंने इसको अंदर कितनी देर रखा, मैंने इसको 45 मिनट अंदर रखा है, क्योंकि जब आप तुरंत ब्रेड पेस्टे तो आपको ज्यादा देर अंदर रखना पड़ता है। पहले मैंने इसका टेम्परेचर 40 डिग्री रखा था, फिर 20 मिनट के बाद मैंने इसको 30 डिग्री पे कर दिया था दोनों को। तो आपने भी ऐसे करना है। और आपने कई बार देखा होगा कि इसमें लॉफ के अंदर ना कट लगे होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कट अभी मार सकते हैं। लेकिन अगर आपने ब्लेड फूलने के बाद कट मारना है तो ब्लेड से मारना है, या फिर नाइफ में बहुत ही ज्यादा धार होना चाहिए। लेकिन मैं ये गार्लिक ब्रेड के लिए बना रहा हूं तो मैं कट नहीं मारूंगा। तो आपने करना क्या है, जब आप ब्रेड अंदर डाल दें या उससे पहले ओवन चालू कर देना है। मैंने ओवन चालू कर दिया है, मैंने ऊपर का टेम्परेचर रखा है 250 डिग्री और नीचे का टेम्परेचर रखा है 230 डिग्री। तो अब मैं इसको ओवन में डालूंगा। इस तरीके से आपने ओवन में डाल देना है जैसे कि मैं डाल रहा हूं। और इसको मैंने कितनी देर बेक किया ये बताऊंगा निकालने के टाइम। अब आपको कुछ बेकिंग के बारे में बता दूं, अगर आपके ओवन में एक जैसा टेम्परेचर नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट के बाद इसको घुमा सकते हैं। घुमाने से क्या होगा, आपके ब्रेड में या आप जो भी चीज बेक कर रहे हैं एक जैसा कलर आ जाएगा। तो ऐसे घुमाते हैं जैसे कि मैं घुमा रहा हूं इस तरीके से, फिर आपने ओवन बंद कर देना है। तो ये मतलब तरीका है कोई भी चीज बेक करने का। अगर आपका ओवन घूमने वाला है, ट्रॉली ओवन है, तो उसमें एक जैसा टेम्परेचर आता है। इन ओवन में क्या होता है, कभी कभी एक जैसा टेम्परेचर नहीं होता है, कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। तो आप ट्रे को घुमा दें, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैंने टाइमर लगाया था 14 मिनट का, तो घंटी बज चुकी है, मतलब 14 मिनट हो चुके हैं। जो हमने गार्लिक ब्रेड लॉफ पकाया है वो 14 मिनट लगे उसको। इसका फायदा क्या होता है, आप टाइमर लगा के दूसरा काम कर सकते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। जैसे ही टाइम पूरा होएगा तो घंटी बज जाएगी। अब ये देखिए कलर कितना बढ़िया आया है, मतलब जो बेकिंग में सबसे जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इसका कलर। तो आपने ऐसा कलर लेके ही निकालना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। निकालने के बाद आपने करना क्या है वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने इसके ऊपर ऐसे ऑयल लगाना है, देखिए इस तरीके से ब्रश से लगाएं, कपड़े से ना लगाएं। तो कपड़े से क्या होगा, आप जल जाएंगे, बहुत ही गर्म होते हैं ना, आप जल जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सालों तक कपड़े से तेल लगाया है तो मुझे पता है कि कितनी तकलीफ होती है, जल जाते हैं। मेरे उस्ताद ऐसे ही थे और उस टाइम पे प्लास्टिक के ब्रश भी नहीं थे इतने अच्छे। अब जैसे ही आप तेल लगाएंगे ना, तब आप इसकी चमक देखें कितनी बढ़िया हो जाएगी। और जितनी देर ये रखा रहेगा ना, थोड़ी देर के बाद और भी बढ़िया चमक होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है इसका कलर। ये देखिए नीचे भी बढ़िया कलर होना चाहिए, देखे ना आप कितना मस्त कलर आया। तो ऐसा कलर आना जरूरी है। अब मैं क्या करूंगा, ये सारे लॉफ ओवन में डाल दूंगा, ऊपर नीचे दोनों ओवन मैंने चालू कर दिए ताकि अब एक साथ बेक हो जाएंगे। अब इसको रखने का टाइम नहीं है क्योंकि अब ये बढ़िया तरीके से उठ चुके हैं। तो मैं नीचे ऊपर दोनों ओवन में एक साथ डाल दूंगा, तो आप भी इसी तरीके से सब बेक कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।